के युग में एक उसने फोर्स बनाई थी गुस्टाफ करके, वो जो फोर्स थी, आप मानिए कि ये जो फोर्स बनाई गई है एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उत्तर प्रदेश के लिए, ये बिल्कुल उसी की तरह है। अधिकार है कि ये बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी समन के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को जब चाहें जहां से चाहें उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके घर की तलाशी ले सकते हैं बिना किसी उसके। जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, जो सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने रखे, जो सच जनता को बताए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे उठाओ और उसे मार दो। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने एक रॉलट एक्ट करके बनाया था, ये बहुत कुछ उसी की तरह है रॉलट एक्ट की तरह। और जिस समय रॉलट एक्ट बना उस समय उसे काला कानून कहा गया, इतना जो है वो घिनौना एक कानून था जिसके अंदर के किसी को भी आप उठा के बंद कर दो, किसी वारंट की जरूरत नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है, किसी नोटिस की, किसी समन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये स्थिति उसके अंतर्गत थी। लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति जो है वो आप चले जाइए हिटलर के युग में, और हिटलर के युग में एक उसने फोर्स बनाई थी गुस्टाफ करके, वो जो फोर्स थी, आप मानिए कि ये जो फोर्स बनाई गई है एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स उत्तर प्रदेश के लिए, ये बिल्कुल उसी की तरह है। और जर्मनी में हिटलर ने उसके माध्यम से जितने भी लोग हिटलर के विरोधी थे, हिटलर की नीतियों के विरोधी थे और विशेषकर यहूदी, उनके खिलाफ उस फोर्स का इस्तेमाल किया। और इस्तेमाल इस तरह से किया कि जिसको भी चाहा, जब भी चाहा, उस गुस्टाफ फोर्स ने किसी को भी उठा के बंद कर दिया, मार दिया, कहां उसका क्या हाल किया किसी को कुछ पता नहीं, और यहूदियों को चुन चुन के उसके माध्यम से मारा गया। ये उस फोर्स का काम था और जो हिटलर की एक बहुत ही उसकी विश्वसनीय फोर्स थी। तो सीधा मतलब यह है कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, जो सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने रखे, जो सच जनता को बताए, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे उठाओ और उसे मार दो और बाद में कह दो भैया हमें तो पता नहीं, ना तो हमने उठाया ना कहीं, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं है। कोर्ट के सामने नहीं जाना, किसी को जवाब नहीं देना, कोई भी किसी वारंट की उसकी जरूरत नहीं, किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं। ये काम हिटलर ने अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए जबरदस्त तरीके से किया, ऐसी एक फोर्स बना के। और अब यही काम उत्तर प्रदेश में योगी जी करने जा रहे हैं। और आप मानिए कि इसमें केवल योगी जी शामिल नहीं है, अगर कोई यह सोचता हो कि इसमें योगी जी शामिल हैं, नहीं, इसमें योगी जी शामिल नहीं है, इसमें योगी जी के साथ साथ आरएसएस शामिल है, मोदी जी शामिल है, भाजपा इसमें शामिल है। और ये उत्तर प्रदेश एक इस फोर्स के माध्यम से जो ये चाहती है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना, और जो तानाशाही वाला राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, ये उसकी एक प्रयोगशाला बनने जा रहा है, ये फोर्स वो है। और अफसोस इस बात की है कि ये जो फोर्स बनाई गई है, इस फोर्स को जो बनाया गया है वो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई और उस पीआईएल पर हाई कोर्ट ने आदेश किया और उसके पक्ष में ये कहा गया
कि भाई ये जो जो पीएसी है और लोकल पुलिस है, ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों की और हाई कोर्ट की और इनकी जो अदालतें हैं इनकी, इनकी जजेस की, इनकी सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए एक और अच्छी फोर्स चाहिए। उसके लिए ये एक नई फोर्स बनाई गई है जिसका काम, जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जारी किया है, बताया ये गया है कि इसका काम है हाई कोर्ट की, इलाहाबाद और जो लखनऊ बेंच है उसकी, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनकी, साथ में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो मंत्री हैं, जो विशेष अधिकारी हैं, जो विशेष लोग हैं, उन सब की सुरक्षा करने का इसका काम है। और इसके अधिकार क्या हैं? अधिकार हैं कि ये बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी समन के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, किसी भी व्यक्ति को जब चाहें, जहां से चाहें उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके घर की तलाशी ले सकते हैं बिना किसी उसके। ये इसकी ताकत है। और इसके लिए एक और इसमें चीज कही गई है कि जो प्राइवेट जो लोग हैं या प्राइवेट को इंस्टीट्यूशन से इंडस्ट्रीज हैं, वो भी इसको जो है किराए पर ले सकते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो बनाई गई। और दूसरा, अदालत का इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके लोगों पर, जो भी इसके जो सदस्य हैं इस फोर्स के, जो भी इसके पदाधिकारी हैं अदालत में, उनके द्वारा, इन पदाधिकारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य या किसी भी व्यक्ति को उठाने पर उसके साथ कुछ भी किया गया हो, कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, कोई भी हस्तक्षेप न्यायालय इसमें नहीं कर सकेगा। ये इसकी, इस फोर्स की नोटिफिकेशन में लिखा गया, यह है इसकी स्थिति। तो फोर्स जो है वो ये बनाई गई है। ये इस देश में हर उस व्यक्ति को नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश में हर उस व्यक्ति को इस जो फोर्स बनाई जा रही है इसका दुरुपयोग उनके लिए किया जाएगा, जो भी लोग सच बोल रहे हैं, हिम्मत करके सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो जितना भी उसका भ्रष्टाचार है, जितने भी उसकी जनहित विरोधी नीतियां हैं, कार्य हैं, उनको जो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं, चाहे वो साहित्यकार हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जागरूक नागरिक हैं, कोई भी हो, उन सबके खिलाफ इन सबका जो दुरुपयोग है इस फोर्स का किया जाएगा। और ये फोर्स बनाई ही इसलिए गई है कि तानाशाही के माध्यम से इस डंडे के जोर पर सरकार के खिलाफ कोई न बोल सके, उसके लिए सब कुछ किया गया। अब इसको थोड़ा सा आप ये देखें कि सबसे बड़ा सवाल वहां खड़ा हो जाता है, जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ये फोर्स बनी, तो होना ये चाहिए था कि जब आज हाईकोर्ट ने एक आगे भाई सुरक्षा के लिए ये जो है इतने वो ट्रेंड नहीं है, इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपके पास में पीएसी है, आपके पास में लोकल पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, आप उसमें से साथियों को छांटते, उनको वेल ट्रेंड करते और वेल ट्रेंड करके उनको उसमें लगाते उनकी सुरक्षा में, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, अलग से फोर्स की क्या जरूरत थी? और अगर आपने अलग से फोर्स बना भी ली तो आप ये बताइए कि इसको न्यायालय की समीक्षा या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है? और आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे और जानते होंगे इस बात को, अगर किसी भी कानून के तहत कोई भी ऐसी फोर्स बनाया जाए या कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए कि सरकार के किसी कार्य में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो कानून किसी हालत में सही नहीं हो सकता, जनहित में नहीं हो सकता, वो कानून जन विरोधी होगा, वो देश के और प्रदेश के हित में कभी नहीं हो सकता, उसका दुरुपयोग किया जाएगा और जनता को सताया जाएगा। और जो सच बोलने वाले लोग हैं, सच उजागर करने वाले लोग हैं, वो कोई भी हो, किसी भी तरह के हो, उनको निशाने पर लेकर उन्हें उठाया जाएगा, मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा, ताकि सरकार के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह से आवाज न उठा सके, बोल न सके। एडिशनल डीजीपी लेवल का एक अधिकारी इसका सर्वे सर्वा होगा। वैसे तो प्रदेश का सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो इस फोर्स का जो सर्वे सर्वा बनाया गया है, जैसे माना प्रदेश में जो पुलिस होती है उसका होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का जो पुलिस निदेशक जो होता है वो होता है, महानिदेशक जो होता है, तो अब इसका जो है वो एडिशनल डीजीपी होगा।
यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी इसका हेड होगा और अलग अलग जिलों में इसके जो है ऑफिसेस होंगे, कंट्रोल होगा वहां से, ये इसकी स्थिति रहेगी। ये इसका जो है पूरा एक सेटअप जो होगा ऐसे बनाया जाएगा, जहां भी जरूरत होगी वहां इसको रखा जाएगा। देखिए बहुत विशेष बात यह है, आप इस बात को मान लीजिए कि इस फोर्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जो हिटलर ने किया वो सब कुछ करने जा रही है। अब के बाद जैसी ये फोर्स, क्योंकि अब फोर्स जो है अस्तित्व में आ चुकी है, कब से वो कार्रवाई शुरू करेगी, अब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है। जो भी जरा बोलेगा वो फोर्स उठाएगी और उठा के कहां ले जाके बंद करेगी, कहां मार देगी, इसका कुछ वो नहीं, क्योंकि कानून के जो इसका कानून जो बनाया गया है वो अदालत की समीक्षा से दूर है। मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही ये कानून बना है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक PILA पे आदेश के बाद में है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह चाहिए था कि इस कानून पर सुमोटो एक्शन लेके वो इसकी समीक्षा करती और कहती सरकार को, ये बात कहती कि आपने किस तरह से अदालत की समीक्षा से इसे दूर रखा है। कोई भी पुलिस अधिकारी, क्या सारे पुलिस, ये जो बनाए जाएंगे पुलिस अधिकारी जो इसमें छांट कर रखे जाएंगे, स्वाभाविक है कि एक ही मानसिकता के लोग इसमें रखे जाएंगे और बहुत कुछ संभव इसका होगा कि एक ही जाति विशेष के लोगों को, एक ही धर्म विशेष के लोगों को इस फोर्स में रखा जाए और इसका इस्तेमाल जो होगा वो अलग अलग जो भी विरोधी हैं, और उसमें मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग और दलित बहुजन समाज के लोग, OBC के लोग, इनके खिलाफ में इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप नतीजा देख लेना, आने वाला जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 का होने वाला है उससे पहले इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और जो भी मजबूत लोग हैं, जो भी विरोधी लोग हैं, उन लोगों को बाकायदा पकड़ा जाएगा या तो जेलों में डाला जाएगा, और अगर उससे भी ज्यादा आप लगता है कि भाई ये ज्यादा वो व्यक्ति विरोधी है तो उसको खत्म भी कर दिया जाएगा, एनकाउंटर भी उसका कर दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अदालत को चाहिए था, इलाहाबाद हाईकोर्ट को, कि सुमोटो एक्शन लेके और इसकी पूरी समीक्षा करके पहले तत्काल तो इस पर रोक लगाती कि ये लागू नहीं होगा जब तक कि इसमें यह संशोधन ना कर दिया जाए कि ये जो भी कोई एक्शन करेंगे वो जो और पुलिस वो काम करते उसी तरह से CRPC के तहत जो अदालत की जो समीक्षा की जो ताकत है, जो पावर है, संविधान की जो उसके पास पावर है उसके अंतर्गत ही काम करेंगे। कोई भी काम इनका या इनका कोई भी सदस्य अदालत की निगरानी या अदालत की समीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। इसको लेना चाहिए था, नहीं लिया, लेकिन अगर नहीं लिया तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो होगा, ये आप निश्चित मान लीजिए कि जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया इसी तरह के कानून के माध्यम से, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुसलमानों का, फिर दलितों का, बहुजनों का और OBC का कत्लेआम होना ही है। विशेषकर उनको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा जो सच बोलने वाले लोग हैं, निडर लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, उनके खिलाफ। अब आप देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके लीडर्स को उठाया जाएगा और उठा के ठोका जाएगा उन्हें, इस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसे आप अभी हाथरस में देख रहे हैं जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये कुछ भी हो सकता है, किसी के खिलाफ भी कुछ भी किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे किसानों के आंदोलन है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है जो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा, इसलिए इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है और सुमोटो एक्शन लेके अदालत को इसकी कानून के अदालत के दायरे में, समीक्षा के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। जनता जो कर सकती है इसका सड़क पर विरोध करना चाहिए, नंबर एक जो जनता को करना चाहिए, और इसके लिए जितने भी जो MLA हैं, जो MP हैं, उन सबको एक बाकायदा लिखित में देना चाहिए, जजेस को लिखित में देना चाहिए कि ये जो कानून आया है अगर अदालतों के रहते हुए, संविधान जो संसद और विधानसभाओं के रहते हुए ये सारे के सारे इस तरह के कानून, जन विरोधी कानून पास हो जाएंगे और जनता को कभी भी किसी भी तरह से खत्म किया जा सकेगा, बोलने वालों को कभी भी मारा जा सकेगा,
उन कानूनों को खत्म करने के लिए जनता को सड़क पे आना चाहिए, इकट्ठा होकर सबको विरोध करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।